नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज के हमारे सर्ग हैं अष्ट सप्ततितमः एवं एकोनाशीतितमः सर्ग, यानी 78 और 79 सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का कथा वस्तु है शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना, मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्रीराम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ यात्राम समीहंतम शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोक संतप्तं इदं वचनं अब्रवी। गतेयः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसंपन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम्। बलवान् वीर्यसंपन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ किं नमोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। पूर्वमेव तु विग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ उत्पथं यः समारूढो नार्या राजा वशं गतः। इति संभाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। लिप्ता चंदन सारेण राज वस्त्राणि बिभ्रति विविधं विविधैस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषिता मेखला दामभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जु बुद्धेव वानरी। तां समीक्ष्य तदा द्वास्थोः भृशं पापस्य कारिणी गृहीत्वा करुणं कुब्जा शत्रुघ्नाय न्यवेदय यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथा मति। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृश दुःखितः अन्तः पुरचराम् सर्वानित्योवाच धृतव्रतः। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब आपस में बातचीत कर रहे थे तभी कुब्जा सज धज के वहां आ गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्रीराम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ
घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, तीव्रम उत्पादितम दुखम भ्रातृणाम मे तथा पितुः यथा सेयम निशंसस्य कर्मणः फलमश्नुताम एवं उक्त्वा च तेनाशु सखी जन समावृता गृहीता बलवत् कुब्जा सा तद्गृहमनादय ततः सुभृश संतप्तस्तस्याः सर्वः सखी जनः क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नम् व्यपलायत सर्वशः अमन्त्रयत् कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखी जनः यथायं समुपक्रांतो निशेषं नः करिष्यति सानुक्रोशाम वदान्याम च धर्मज्ञाम च यशस्विनी कौसल्याम शरणं यामः साहिनोऽस्ति ध्रुवा गतिः। तो शत्रुघ्न कुब्जा को पकड़कर सब लोगों से कह रहे हैं कि इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, सारा महल उसकी चीखों से गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है उससे जान पड़ता है कि ये हम लोगों में से किसी को भी अब जीवित नहीं छोड़ेंगे, अतः हम लोग परम दयालु उदार धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलते हैं। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। सच रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रु शासनः विचकर्ष तदा कुब्जाम क्रोशन्तीम पृथ्वी तले तस्याम ह्याकृष्यमाणायम मन्थरायाम ततस्ततः चित्रम बहुविधम भाण्डम पृथिव्याम तदव्यशीर्यत तेन भाण्डेन विस्तीर्णम श्रीमद् राज निवेशनम अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा सबलि बलवत् क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभः कैकेयीमभि निर्भर्त्य बभाषे परुषं वचः तैर्वाक्यैः परुषैः दुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता शत्रुघ्न भयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता। तो क्रोध के वश में आकर शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरदकाल के आकाश की भांति सुशोभित होने लगा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे भी धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही और उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बड़ा दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई।
तम प्रेक्ष भरतः क्रुद्धम शत्रुघ्नम् इदम् अब्रवीत् अवध्याः सर्वभूतानाम् प्रमदाः क्षम्यतामिति। हन्यामहम् इमाम् पापाम् कैकेयीम् दुष्टचारिणीम्। यदि माम् धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्। इमामपि हदाम् कुब्जाम् यदि जानाति राघवः। त्वाम् च माम् चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषात्ताम् मुमोच च मूर्छिताम्। सापादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपातः निःश्वसन्ति सुदुःखार्या कृपणम् विललापः। शत्रुघ्न विक्षेप विमूढ संज्ञाम् समीक्ष कुब्जाम् भरतस्य माता। शनैः समाश्वास यदार्थ रूपाम् क्रौञ्चीम् विलग्नामिव वीक्षमाणाम्। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार क्षमा कर दो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लेंगे तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही वहीं छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। तो यहाँ पे पूरा होता है 78वां सर्ग और हम बढ़ते हैं आगे 79वें सर्ग की ओर। ततः प्रभात समये दिवसे अथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यम ब्रुवन्। गतो दशरथ स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराधनोति राजमेतनायकम्। आभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव प्रतीक्षते त्वाम् स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज। राजम् गृहाण भरत पितृपैतामहम् ध्रुवम् अभिषेचय चात्मानम् पाहि चासान नरर्षभः। तो शत्रुघ्न और भरत से जब मंथरा छूटी तो कैकेयी की शरण में जा पहुंची, लेकिन कैकेयी भी उसको केवल आश्वासन दे सकती थी। इसके अतिरिक्त भरत और शत्रुघ्न के कोप से तो कैकेयी स्वयं भी नहीं बच सकती थी। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर फिर भरत से इस प्रकार बोले, महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी है और आपको यह राज्य प्रदान किया है, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। हे राजकुमार रघुनंदन,
ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। रामः पूर्वो हिनो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च युज्यतां महती सेना चतुरंग महाबला आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वना। तो यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। यह सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में मैं 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगिणी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतं आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरा न सका माम करिष्यामि स्वामी माम मातृगंधिनी वने वत्स्याम्यहम् दुर्गे रामो राजा भविष्यति क्रियताम शिल्पभिः पन्थाः समाने विषमाणि च रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः एवं सम्भाषमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यं मनुत्तमम्। तो राजकर्मचारियों से भरत कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे यह स्वीकार नहीं है, मैं श्री रामचंद्र को वन से लौटाकर लेकर आऊंगा और अभिषेक के लिए संचित की हुई ये सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उस नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। परंतु जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकई को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्री रूपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वीं दातुमिच्छसि अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्प बिन्दवो निपेतुरार्यानन नेत्र सम्भवाः ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियात शोकाः पन्थानं नरवर भक्त
शक्तिमान जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच शिल्पिवर्गः। राजकुमार भरत के मुख से श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें सुनकर वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात भरत से कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबकी ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। तो इस प्रकार भरत ने वन गमन की तैयारी प्रारंभ कर दी है और श्री राम को वन से लौटा लाकर उनका राज उनको सौंप देने का संकल्प कर लिया है। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने 78 और 79 दो सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्ट सप्ततितमः एवं एकोनाशीतितमः सर्गः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः।